को पहले नंबर पे सलूट करता हूँ। आप जिनको कहते हैं बुढ़ते हैं बैठी भी घर में, जिसको कहते थे कि उसके मर्द मर्द उनको प्रताड़ना करते हैं, इनको दुखी करते हैं, मोदी इनका राखा बनने के लिए आया था तीन तलाक के मामले में, आप मोदी कहाँ है? मेरे को मोदी कुछ नहीं रहा है, मेरे को दो बहनों के लिए वो तीन तलाक का लेके आया, वो कहाँ है? मैं बेटा पे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, महात्मा बुद्ध कहता था कि अज्ञानता है आपका दुखों का कारण है, अज्ञानता। आप सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, देश का राष्ट्रपति अनपढ़ है, आज देश का राष्ट्रपति भी अनपढ़ है, ये इन्होंने हमारे इंडिया में खींच लिया, क्या क्या है कि सोने की लंका को आग लगा दी, जे एन यू जामिया और यूनिवर्सिटी को आग लगा रहे हैं, उसी तरह आग लगा रहे हैं जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई थी। आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है, एजुकेशन लेना आपका आपका धन है, आपका राइट है, आपको एजुकेशन उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे सकते तो आने वाले समय में राज अपने हाथ में ले दूँ, और आने वाले समय में राज अपने झटके हैं, इसका बीच में एक यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। मोदी कहते हैं 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू नहीं है, ये 15% है, 20% हिंदू है, सनातनी मंदिर वो 2% है, 15% है, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप हिंदू शब्द कहना बोलना बंद कर दिए, वो हिंदू है सनातन धर्म के अलावा, वो बेटी है, मैं आपको जन्म करता हूँ, वो बेटी है, उनको 900 साल पता नहीं लगन लूंगा उनका धर्म क्या है। वो माधव कहता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, अगर उनका धर्म नहीं है तो जो शेड्यूल तौर पर क्या है, वो सूत्र है, वो सूत्र बनाया है उन्होंने लोगों ने, सूत्र का धर्म हिंदू नहीं है, वो कहते आदिवासी है, आधर्म हमारा धर्म, वो धर्म था, वो धर्म को इन्होंने 900 साल समय के पता नहीं चलने दिया। दूसरे नंबर पे मैं एक और चैलेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पंजाब का सिख हूँ, मैं पंजाब का सिख हूँ, गुरु गोविंद सिंह का बुला रहा हूँ, उनका चेला हूँ, सेना गुरु, हमारे सेना गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ग्वालियर की कैद में गए, कैद हुए, उनके साथ समंदर आए थे राजपूत राजे, बड़ी कैद थे, जो उन्होंने मुगलों ने उनको आजाद करने का फैसला किया गुरु जी को, तो कहते बाबा जी हमारे को भी छिड़ाओ, सेना गुरु ने कहा कि मैं तभी जाऊंगा अगर इनको भी हाथ साथ में मेरे दे दो बाहर देने जाने से, वो कहता भी ऐसा करो तुम आपका जो पल्ला फड़ के ले जाएंगे वो चले जाएंगे। गुरु जी ने एक चोरा चोरा सुनाया ऐसा बड़ा है, उसके बोंडिया लड़िया बना दिया, बोंडिया लड़िया एक एक राजे के हाथ में फड़ लिया, तो सारे मुगल बहुत सारे सारे होंगे, जो नौवा गुरु था, नौवा गुरु थे एक बहादुर, उसको देखे से इन लोगों ने देखे से उसको देखे से उतराया है। मेरे कहने का मतलब है फोटो उस टाइम इनको लेट थी हमारी, कहते थे हिंदू धर्म और सनातन धर्म खतरे में है, तो हमारा हम उनके साथ से उनका सब धर्म बताया, आप डिक्लेयर करते हैं कि सिख हिंदू धर्म का हिस्सा है। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ से चैलेंज करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका रूल 25 कहता है एक सिख को तलवार तूफान पहन कर थ्रू आउट इंडिया जाने का हक है, वो उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को राज्य हक देता है कि तुम आजाद आजाद धर्म है, आपका सेपरेट धर्म है हमारे को, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप आगे से कहना बंद कर दें। तो मैं दूसरे नंबर पे बहनों को फिर कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, आपके यहाँ नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, आपका सब कुछ खत्म हो गया है, ये टाइम करो और मरे पर है, या तो कुछ कर ले नहीं, आपका यहाँ पर कोई बात नहीं है। इन्होंने जो बुद्ध कर्म खत्म किया ऐसे ही हमारे
केस में भारत देश से हराज के पास लाई थी, महाभारत बनाया था, बहुत पतले आम लिया था, इनका यही यहाँ कराने का मकसद है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप हम जो एक छोटी बात कहकर मैं बंद करता हूँ, राखी गरी हरियाणा में एक स्पेशल मिले है हमारे पूर्वजों के, वो कहते हैं कि 85% लोगों का जीवन में एक है, जो मुसलमान है, ईसाई है, जो सिख है, ABC ST सेक्टर, इनका DNA एक है, हमारा हम 85% इसलिए मानते हैं, इसलिए हम तो घबराने की जरूरत नहीं, हम इस देश के प्रतिनिधि हैं, हम इस देश के लिए मरेंगे, जिएंगे, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।